जय शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे आप सबको ट्रक भर के। तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हो, हमारे खेत की हो रही है जुताई। हम इसमें बीज बोएंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लास्ट खेत है, इसके बाद हम फ्री होने वाले हैं। और पीछे ये हमारे जो दो बैल हैं, एक का नाम फुलगर है, एक का नाम बग्गा है। और बड़े लायक हैं बेचारे, क्योंकि हमारे शायद 10 या 11 खेत होंगे और सभी इन्होंने ही जोते बेचारों ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जुताई होती है, कैसे बीज डालते हैं, कैसे क्या करते हैं, खेत की सफाई वगैरह कैसे करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। इधर पीछे हैं ये मेरी दादी सास हैं, मानते ही नहीं, खेत में आ जाते हैं रोज रोज। देखो वाला नहीं तो आराम करना चाहिए ना। और क्या बोलते हैं, पर जैसे कि इतनी उम्र हो गई इनकी, फिर भी खेत में आ जाते हैं। हम सब बोलते भी रहते हैं इनको कि आराम करें आराम करें, लेकिन मानते ही नहीं है। आप ही बोलो कमेंट सेक्शन में कि आराम किया करो दादी, तब जाके शायद माने, है ना दादी? अरे मम्मी आ रही खेत की ओर, आ लास्ट खेत है तो सभी बड़े खुश हैं। साथ में चीड़ का पेड़ है, पिछले एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, अब ये पक चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बड़े टेस्टी लग रहे हैं दिखने में। तो ये देखिए थोड़े दूर है ना, तो मेरे से तोड़े नहीं जाएंगे। ये देखिए ये बीज है, ये पहले ही डाल देते हैं ताकि फिर जब जुताई करेंगे ना तो ये अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो उतने ही फिर त्रोड़ता और ना भाई खान। तो ये जो है ताई जी बीज डाल रहे हैं सूरज फूल का। मैं दिखाती हूँ आपको बीज, ये रहा ये इसका, मतलब यार अच्छे से जूम नहीं पड़ रहा, इस पे फोकस नहीं पड़ रहा, ये वाला इसका जो मतलब फिर फूल बनता है ना उसका तेल निकालते हैं। तोड़ ले आए हैं बहुत सारे चीर और लाल भी हो गए हैं। टेस्टी टेस्टी ना भाई, मोना खान ये जो बीज है ना इसका, मतलब जो घर में ही हम तेल निकाल के उसको यूज करते हैं, बोले तो अपना ऑर्गेनिक तेल, नो मिलावट वाला। जब ये बड़े हो जाते हैं ना फूल तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। फिर जब ये मतलब अच्छे हो जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब शुरू हो जाते हैं क्योंकि मेरी भी टर्न आ गई है। हमारा काम जो है ना इस बीज को ढकना है, क्योंकि ये जुताई के बाद इसको डालते हैं ना साइड साइड में, तो इसलिए फिर इसको ढकना होता है ताकि जैसे पंछी वगैरह होते हैं नीचे दाना चुग लेते हैं ना, इसलिए इसको मिट्टी से ढकना होता है। तो चलते हैं फिर। मम्मी क्या कर रही है? बीज को ढक रही हूँ मैं इसके, सूरजमुखी के।
पनी भाई ऊपर बीज फेंक रहे हैं, जैसे ऐसे पहले डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर बैल से जोतेंगे और बीज खुद खुद दब जाता है जमीन में। और बबली भी लगी है सूरजमुखी को बाने में। चलो ये जो कि बीज है सूरजमुखी का, और ये बबली ने ढक दिया, आगे भी ऐसी करती जा रही है। देखो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं और चीर खा रहे हैं, और दादी यहाँ पे मतलब बूटे पे चढ़ के घास काट रहे थे ना, तो उनके हाथ में भी लग गई। दादी खाओ ये देखो, बुढ़ापे में नहीं मान रहे हैं। बड़ा ब्लड रुक रहा था लेकिन इस पे दादी ने कुछ लगाया। दादी आपने इस पे क्या लगाया? ब्लड रुक गया, ब्लड रोकने के लिए, खून रोकने के लिए आपने इस पे क्या लगाया? भांग को कूट के लगाया। भांग का यूज कितना अच्छा यूज है, इससे तो बड़ा ही अच्छा यूज है कि दादी। हाँ तो अब जैसे किसी को लग जाए या कुछ भी और आपके पास फर्स्ट एड अवेलेबल नहीं है, तो आप भांग को पीस के जख्म पे लगा सकते हो और उससे जो ब्लीडिंग है वो इमीडिएट रुक जाएगी, इंस्टेंट रुक जाएगी। वी आर अनरेस्ट राइट नाउ। ऐसे थोड़ी नहीं बोलते कि भांग के बहुत सारे फायदे हैं, पीने के ही नहीं है फायदे, ऐसी दवाइयों में बहुत ज्यादा फायदे।